आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर न्यूरू। ऐसे कितने कुकुल्ड फैंटेसी रखने वाले हस्बैंड हैं जो अपनी फीमेल पार्टनर को या अपनी वाइफ को या अपनी गर्लफ्रेंड को अदर मेल से बेबी मेक करवाना चाहते हैं या अदर मेल से प्रेग्नेंट करवाना चाहते हैं। वो जरा अपने आप को टटोलिए, फील करिए। तो कुकुल्ड फैंटेसी रखने वाले कुछ परसेंट ऐसे हस्बैंड का है या ऐसे कुकुल्ड का है जो अपनी वाइफ को, अपनी गर्लफ्रेंड को अदर मेन के साथ इंसिमेट करवाना चाहते हैं, या वो चाहते हैं कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट हो अदर मेन से। और पहली बार जब आज से 10 साल पहले बातें मैं सुनी थी, इस बातों पे मैं स्टडी करना प्रारंभ किया था, तो मुझे ही भी बहुत विचित्र लगा था कि यह संभव कैसे है, कैसे एक पुरुष ऐसा सोच सकता है। लेकिन जैसे ही मैं स्टडी करना शुरू किया, कई साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट इसके बारे में देखे, कई सोशल सर्वे देखे, कई साइकोलॉजिस्टों का इस पे, इस फैंटेसी पे सर्वे देखा, तो मैं पाया कि हाँ, ऐसी रियलिटी में होती है। और कई कुकुल्ड हस्बैंड जो ऐसी फैंटेसी रखते होंगे वो मेरी बातों से स्वयं को कनेक्ट करके देख पा रहे होंगे और समझ पा रहे होंगे। तो कुकुल्ड फैंटेसी का इस प्रकार का भी नेचर होता है कि अपनी फीमेल पार्टनर अर्थात अपनी वाइफ और गर्लफ्रेंड को किसी बुल से प्रेग्नेंट करवाना चाहते हैं, वो खुद नहीं बुल से चाहते हैं। और इन चीज़ों को वो अपनी कल्पना में चला करके, अपनी इमेजिनेशन में इमेजिन करके वो अच्छा फील करते हैं और इरोटिक प्लेजर का एहसास करते हैं और इस चीज़ को वो रियलिटी में भी करना चाहते हैं। ऐसे मेरे पास कई क्लाइंट का एग्जाम्पल है जिन्हें मैं जानता हूँ अप्रत्यक्ष रूप से, मैं पुनः दोहरा दूँ, अप्रत्यक्ष रूप से जिनके अंदर इस प्रकार की फैंटेसी है कि वो अपनी वाइफ को इंसिमिनेट करवाना चाहते हैं किसी बुल से, अपनी हॉट वाइफ को इंसिमिनेट करवाना चाहते हैं किसी बुल से। और ऐसी सीन को कल्पना करके, ऐसा दृश्य को कल्पना करके वो बहुत ही अग्रिम स्तर का यौन उत्तेजना का एहसास करते हैं। और मैं आपको बताता चलूं, इंडिया में यह फैंटेसी तो प्रैक्टिस नहीं की जाती, उतना किया जाता है, पर कल्पना के स्तर पे कुछ लोग इसे व्यवहारिक स्तर पे भी अपनी सुरक्षा मानकों का ख्याल रख के करते हैं। पर जहाँ तक US, कनाडा एवं अन्य यूरोपीय कंट्री की बात है, वहाँ इस प्रकार की फैंटेसी धड़ल्ले से प्रैक्टिस में लाई जाती है और पॉर्न सिनेमैटिक वर्ल्ड ने आग में घी डालने का काम कर दिया है, अर्थात इस प्रकार की फैंटेसी को एकदम बढ़ा दिया है। नॉर्मल इंसान मेरी बातों को सुन रहा होगा तो अपना सर पीट रहा होगा, ये क्या बकवास वाली बातें हैं, ऐसा भी होता है क्या? तो हाँ, ऐसा होता है। और ऐसा इसलिए होता है ना कि जो हस्बैंड इस तरह की यौन कल्पना अपने अंदर रखता है, उसे इस तरह की यौन कल्पना को अपने मन में चला करके, यानी इस तरह की यौन कल्पना करके बहुत ही नेक्स्ट लेवल का यौन उत्तेजना आता है। इतना नेक्स्ट लेवल का यौन उत्तेजना आता है कि एक नॉर्मल इंसान उस यौन उत्तेजना को कभी कभार अपने जीवन में महसूस करता है। वैसी उत्तेजना कुकुल्ड फैंटेसी रखने वाला या इस तरह की फैंटेसी रखने वाला हस्बैंड जो चाहता है कि मेरी हॉट वाइफ किसी बुल से प्रेग्नेंट हो, वो फील करता है और बहुत ही ज़्यादा यौन उत्तेजना आता है। इसके लिए इसे प्रैक्टिकल लाइफ में भी कुछ लोग फॉलो करने का प्रयास करते हैं यूरोपीय एवं अमेरिकन कंट्री में, और इंडिया में भी कुछ लोग हैं जो ऐसी भावना रखते हैं, ऐसी धारणा रखते हैं अपनी कुकुल्ड फैंटेसी के अंतर्गत। तो यदि आपके अंदर भी इस प्रकार की फैंटेसी है तो आप संकोच मत करें, किसी भी प्रकार की मानसिक उलझन में ना पड़ें, आप मुझसे एक बार व्यक्तिगत अपॉइंटमेंट लेकर के बातें कर लें। और मुझसे व्यक्तिगत अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपको मेरे इंस्टाग्राम जो कि इसी यूट्यूब चैनल मेंटलिस्ट आई के नाम से है, वहां पे लिखना होगा, सर मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए, आपसे बात करनी है। मैं अपॉइंटमेंट का प्रोसेस बता दूंगा, कुछ निर्धारित
फी रखे गए हैं जो आपको ऑनलाइन पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से पे करने होंगे और पुनः मुझे स्क्रीनशॉट सेंड करने होंगे। उसके बाद मैं आपके अनुसार और स्वयं के अनुसार अपॉइंटमेंट टाइम फिक्स करूंगा और आपसे 30 मिनट से लेकर के 40 मिनट तक बातें करके आपकी समस्या को सुलझाने का प्रयास तो जरूर करूंगा। आपके दिमाग में इस फैंटेसी या इस कुकुल्ड कॉन्फ्लिक्ट के बारे में सॉल्यूशन डालने का प्रयास जरूर करूंगा। तो आशा करता हूं मेरी बातों को जरूर समझे होंगे। आप बिना किसी संकोच और शर्माहट के एक बार मुझसे बातें कर लीजिए। यदि आपके अंदर ऐसी किसी भी प्रकार की फैंटेसी हो, कुकुल्ड से संबंधित किसी भी प्रकार के विचार और भावनाएं हो, तो आप काफी सुलझे हुए बन जाएंगे, सुलझे हुए हो सकती हैं। तो चलिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।